हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही अच्छी एक होम रेमेडी लेके आई हूँ। तो आपकी जो है गर्मियों की वजह से हो या किसी भी तरीके से चेहरे पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं या सफ़ेद दाने भी आ जाती है, वो बिल्कुल नहीं जा रहा है और चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा चिपक के बैठा हुआ है, तो आपको ये छोटे छोटे दानों को आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो, चेहरे की कालापन को कैसे हटा सकते हो, दाग धब्बे को कैसे हटा सकते हो, उस दाने को कैसे हटा सकते हो, सभी चीज़ें ये एक रेमेडी कर देता है। और ये इतनी अमेजिंग है, इतनी अच्छी है, आप सभी इसको करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा। एंड तक देखना और वीडियो को खूब सारा लाइक करना और शेयर भी करना, इसको चैनल को करना सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि फॉलोअर्स जल्दी जल्दी बढ़ानी है हमने। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके जरूर चेक कर लेना, फॉलो जरूर कर लेना गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो रेमेडी क्या है जिसकी वजह से आपके चेहरे की सभी छोटे छोटे दाने, छोटे सफ़ेद सफ़ेद दाने कम्प्लीटली जड़ से ख़त्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो एंड तक देखोगे तभी टोटली समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले आपने चेहरे को स्टीम लेना है, ठीक है? मैं स्टीम लेते हुए नहीं दिखा रही हूँ, मगर आपने स्टीम लेना है वो सिंपल से, और 5-10 मिनट स्टीम लो। उसके बाद चेहरे को ठंडा करो। उसके बाद आपने एक बाउल में एक चम्मच जो नॉर्मल आटा है जो आप रोटी खाते हो, उस आटा को एक चम्मच लो और प्लेन वाटर लो, पानी ऐड करके इसको लिक्विड फॉर्म में आपने तैयार करना है, रेडी करना है, ठीक है? तो ये अमेजिंग अपने टैनी बॉम्ब्स यानी कि आपकी छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद दानों को जड़ से कम्प्लीटली अपने चेहरे से रिमूव करने के लिए। और चेहरे पे अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है? अच्छी तरीके से पतली लेयर में आपने अप्लाई करनी है, और आपने इसको कम से कम जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक आपने इसको छोड़ना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो जैसे आप शरीर पे, जैसे भी अपने बॉडी पे अच्छी तरीके से घिसने से वो मैल नहीं निकलती, उस टाइप में अपने इस चेहरे को घिसना है, यानी कि रब करना है। और इतना रब करने के बाद जो मैल टाइप में ये जो आटा है ना वो हो जाती है, ज़्यादा ड्राई हो गया ना तो ये जो भी इस तरीके से रब करने में होता नहीं है। तो आपने हल्की सी पानी लगा के, ज़्यादा गीला करोगे तो होएगा नहीं, हल्की सी आपने करना है, और इस टाइप में आपने होना चाहिए, जैसे कि मैल निकलने वाली टाइप में होना चाहिए। ऐसे करोगे ना तो जो स्टीम लिया हुआ फेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्किन की डेड स्किन गल जाती है, और जो सफ़ेद सफ़ेद छोटी दाने वो भी गल जाती है, डेड सेल भी गल जाती है, जितनी भी वाइट एड्स है, ब्लैक एड्स है, वो भी निकल जाएगा, और चेहरे पे दाग धब्बे और डल चेहरा है, कालापन है, वो भी हट जाएगा। चेहरे पे जितने भी दाने वो कम्प्लीटली टोटली हट जाएगा, और आपके चेहरे पे छोटी छोटी बेबी हेयर है ना वो भी रिमूव हो जाता है, जो अनचाहे बाल होती है चेहरे पे वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है। तो आप इसको रेगुलर भी कर सकते हो या वीक में कम से कम 4 बार इसको कर सकते हो। आप इस तरीके से आप अपने चेहरे पे अप्लाई करके इसको इस तरीके से रब करना है, और ऐसे मैल टाइप में करोगे तो आपके चेहरे की कितनी क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। तो आपने फर्स्ट स्टेप में ये करना है, और आपने सेकंड स्टेप में लास्ट में आपने क्या करना है, एक चम्मच आपने वो लेना है मसूर दाल का पाउडर लेना है, हल्का दरदरा सा पिसा हुआ होना चाहिए, तो एक चम्मच अपने दही ऐड करना है, और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए। अब सबसे पहले अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, अप्लाई करके अपने चेहरे को रब नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जस्ट अप्लाई करो एंड छोड़ दो इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद अपने फिंगर्स की हेल्प से जेंटली रब करते हुए 2-3 मिनट लगा के स्क्रब करते हुए चेहरे की कम से कम 3-4 मिनट अपने स्क्रब करना है, लास्ट में 15 मिनट बाद इस पैक को और अपने चेहरे को धोना है। उसके बाद जैसे रब करोगे, स्क्रब करोगे 2-3 मिनट तक, उसके बाद अपने चेहरे को धोना है। उसके बाद अपने चेहरे देखोगे आप चौंक जाओगे कि पहले बार में, एक ही बार में आपके चेहरे की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स ठीक होते हुए आपको दिखेगा। तो आपने कम से कम वीक में स्टीम तो आपने 15 दिन में एक बार लेना है, महीने में 2 बार, और जो आपने जो आटे की जो पैक है वो आप रेगुलर भी कर सकते हो, इसको भी आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो, बस स्क्रब आपने वीक में 2 बार करनी है, ठीक है? अच्छी तरीके से करो, उसके बाद वॉश करो, और अपने मॉइस्चराइजर लास्ट में अपने मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो इतना करोगे तो चेहरे की रंगत बदल के रख देगा, जितने भी छोटे छोटे दाने हैं, जितने भी मार्क्स है, डेड स्किन है, डेड लेयर है, जितने भी ब्लैक एड्स है, वाइट एड्स है, वो कम्प्लीटली टोटली ख़त्म हो जाता है। तो आपकी चेहरा क्लीन एंड क्लियर आपको मिल जाता है।
तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी? बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को खूब सारा लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर लेना, और चैनल को करना सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले आपको ये वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय। और भी वीडियोस चाहते हो कमेंट करो, और इस वीडियो को और इस रेमेडी को डेफिनेटली एक बार ट्राई करना और फीडबैक जरूर शेयर करना। बस आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।